फ्रेंड्स मैंने मेरे दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और उनका टिफिन आज मैंने आलू की सब्जी बनाई थी और पराठा बनाया था और नीचे से अभी मम्मी जी कह रही हैं मम्मी जी ने पापा जी की खाने की इच्छा है पकौड़े प्याज वाले तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ चल के बेसन जो मिला के बनाते हैं ना बेसन थोड़ा कम रहता है प्याज ज्यादा रहता है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं सबको मतलब तो अभी हम ही तीन लोग हैं मम्मी जी पापा जी और मैं बच्चे दोनों स्कूल गए हैं दीदी भी अपनी स्कूल गई हैं और हस्बैंड भी बाहर थोड़ा जॉब पे गए हैं शाम तक आ जाएंगे चार पाँच बजे तक तो बस हम तीनों लोग ही हैं तो हमने कहा चलो बना लेते हैं और पराठा खाने की किसी की इच्छा नहीं है प्याज के पकौड़े खाने की इच्छा है क्यों ये लाइट ऐसी हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी पता है फ्रेंड जस्ट मैंने अभी निक्की आप लोग जानते होंगे गए निक्की सुमित ओहो लाइट ही चली गई ये क्या हो गया चलो एक तो चल रही है तो चलो चलते हैं बाहर ही यहाँ नहीं अच्छा लगेगा तो अभी जस्ट मैंने ना उसका ब्लॉग देखा यहाँ बैठ के बात करते हैं निक्की का ब्लॉग देखा निक्की सुमित ऑफिशियल करके तो उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब रो रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे बहुत मतलब बहुत बुरा लगा यार देख के और इस टाइम में भी लोग उनको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं जब उनका पहले भी कुछ कॉन्ट्रवर्सी हुई थी तब भी मैंने सोचा था कि मैं अपने ब्लॉग में इस टॉपिक पर बात करूं पर मेरे हस्बैंड और मुझे ख़ुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं अपने किसी ब्लॉग में किसी का टॉपिक लेकर आऊं फिर लोग यही कमेंट करते हैं तुम व्यूज़ के लिए कर रही हो तुम इसके लिए कर रही हो और निक्की मैं बताऊं मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती मेरी कोई बात नहीं होती है क्योंकि आ, उनके नंबर थोड़े ज़्यादा हैं और कहते हैं ना फॉलोवर ज़्यादा हैं तो मैसेज आप नॉर्मली करोगे तो कोई रिप्लाई करता नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है मैं उसको बुरा बोलूँगी गलत पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छी लगती है ऐसी क्यूट सी बच्ची जैसी लगती है क्योंकि अभी जो उसकी उम्र है उतनी छोटी उम्र में तेईस चौबीस साल की उम्र में उसने बहुत कुछ कमा लिया है मुझे ऐसा लगता है फेसबुक पे देख लो इंस्टाग्राम देख लो या फिर यूट्यूब देख लो सब जगह उसने काफ़ी अच्छी अपनी मेहनत करके यहाँ तक आई है वो इतनी कम एज में तो आज उसका हेल्थ इशू थोड़ा चल रहा है तो मैं कहती हूँ ऐसे कमेंट ना करे कोई भी उसको और अच्छा मतलब थोड़ा सा दुआ करे उसके लिए अच्छी अच्छी विशेज़ दें और बस इतना ही बोलना चाहूँगी जल्दी वो ठीक हो जाए कुछ हेल्थ इशू चल रहा है हमें खुद नहीं पता है हम दूसरे के जो ब्लॉग देखते हैं जो उनके रिएक्शन चैनल हैं वो देखें उनसे हमें पता चला है बस मैं तो दिल से यही प्रार्थना करती हूँ भगवान वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए पर हाँ आदमी के पता है जल्दी आंसू निकलते नहीं है मैं आपको कहता तो हम लोग तब भी हमारे जल्दी इमोशनल हो जाते हैं हमारे आंसू निकल आते हैं पर आदमी लोग कभी भी आदमी हो लड़के हो कभी जल्दी रोते नहीं सब बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होते हैं ना तभी उनके आंसू निकलते हैं तो कल जब मैंने उनकी वो वीडियो देखी सही में मेरे तो आंसू नहीं रुके थे तो मैंने कहा अपनी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है इसके साथ मैं थोड़ा सा बात करती हूँ जब पहली हुई थी काफ़ी ज़्यादा जब उनकी सासू माँ और उनकी निक्की और उनके हस्बैंड बैठे थे तब भी मेरा बहुत मन था मैं इस टॉपिक पर पर हस्बैंड ने मना कर दिया था नहीं नहीं इन टॉपिक पर अगर आपके दिल में कुछ है तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए अभी भी यही है कि भगवान सब कुछ ठीक हो जाए तो चलो चलते हैं नीचे लेट नहीं करते नहीं तो मेरी आवाज़ आ जाएगी मेरी सासू ससुर जी गुस्सा हो जाएंगे नीचे चलते हैं उनके लिए बढ़िया प्याज के पकौड़े बना कर देते हैं और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जिस घर में घर के बुजुर्ग खुश होते हैं ना बड़े बूढ़े खुश होते हैं ना उस घर के सारे मतलब कहते हैं ना ग्रह वो अपने आप ठीक हो जाते हैं कहते हैं ना कि हम ये ग्रह की पूजा कराओ वो ग्रह की पूजा कराओ कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके घर में बड़े बूढ़े आपके खुश हैं तो तो चलो चलते हैं भैया उनके मन के पकौड़े बना कर देते क्योंकि मौसम बहुत अच्छा सुहाना हो रहा है रतलाम का तो आ गई हूँ नीचे पकौड़ा बनाने के लिए तो प्याज आप लोगों ने देखा ही हमारे घर पर कितना ज़्यादा इकट्ठा ही आ जाता है प्याज जो कि स्टोर रूम में पड़ा हुआ है और इस बार तो इतना मोटा मोटा मतलब अच्छा प्याज आया है तो नीचे जितना चाहिए होता है उतना लेकर आ जाते हैं तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ना तेल गर्म होने के लिए रख दिया और मुझे लगा था कि पापा जी ने नाश्ता कर लिया है क्योंकि वो हॉस्पिटल गए थे तो सुबह आठ बजे वो चले जाते हैं पराठा खा कर नहीं गए थे तो मुझे लगा बाहरी शायद करके आए पर उन्होंने नहीं किया था तो मैं निकल आऊँ मैं फटाफट से अब बना देती हूँ तो बस यहाँ पर प्याज के पकोड़े बना रही क्योंकि मौसम ना बरसात वाला हो रहा है और इन दिनों बहुत अच्छे लगते हैं और मम्मी जी यहाँ पर कर रही हैं पूजा और कुछ बाहर की बातें बताने लगी थी एकदम से आखिर तो वही बस मैं सुनने लगी थी तो बस फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से किस किस को प्याज के पकौड़े अच्छे लगते हैं मुझे भी पसंद है और मम्मी जी पापा जी और सबको मतलब घर में पसंद है पर अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है हम ही लोग हैं तो बस यहाँ पर प्याज को कट कर लूँगी और पानी में कट करो ना तो आँखों में आंसू नहीं आते वरना मुझे तो इतना इरिटेशन होता है प्याज से मैं कभी भी कट नहीं करती हूँ मम्मी जी करती हैं पर अभी वो फिलहाल पूजा कर रही हैं और मैंने इसको ना लंबा लंबा कट कर लिया बेसन में थोड़ा सा नमक डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर लाल मिर्च और अजवाइन डाल दी है अजवाइन जरूर डालें थोड़ी सी एक चुटकी भर मैंने इसमें हींग भी ऐड कर दी है अब यहाँ पर बेकिंग सोडा मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालूंगी दो चम्मच मैंने सिर्फ मोइन के लिए यहाँ पर तेल डाल दिया है जो गर्म हो रहा है तो बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे लास्ट मैंने इसमें ना थोड़ी दो से तीन हरी मिर्च लंबी कट कट करके डाल दी थी क्योंकि बारीक कट करो ना तो एकदम से मुँह में जाता बनाती हैं तो बहुत मिर्च लगती है और ये वाली जो आ, मिर्च है ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है बिल्कुल हरी ग्रीन कलर जो होता है ना तो समझ लो मिर्च बहुत ज़्यादा तेज है तो बस यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं आ जाइए आप लोग भी तो यहाँ पर पकोड़े बन गए हैं पापा जी को देकर आ जाती हूँ मैं और हमारे यहाँ पर पापा जी का बस सुबह का एक रोज यही रहता है टीवी में पंचायत सीरीज जो कि उनको इतनी पसंद आ रही कि बार 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 रिपीट वो ही चलती रहती तीन है क्या बनाए तो यहाँ पर मैं पापा जी को भी देकर आ गई मम्मी जी को भी देकर आ गई और यहाँ पर साथ हम बनाइए चाय किस किस को पकौड़े के साथ में चाय अच्छी लगती मुझे तो बहुत पसंद है और यहाँ पर हमारी आंटी जी को भी मैंने दे दिए हैं और बस उनको देती हूँ अभी चाय यहाँ पर मैंने भी आगे बैठ के नाश्ता किया उसके बाद सुबह नाश्ता बनाया था पराठा सब्ज़ी फिर अभी भजिए बने और गैस थोड़ी क्लीन नहीं दिख रही थी मुझे और जब तक मुझे गैस क्लीन ना हो तब तक मेरे से ना खाना वाना कुछ भी नहीं बनता है ऊपर गई मैं कपड़े वपड़े डाल के आई फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं गैस को क्लीन कर लेती हूँ और इस तरीके से मैं ना करूँ तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है और मुझसे कोई कितना भी कहे खाना बना लो जब गैस बिल्कुल चिपचिपा रही हो या गंदी हो या मैसी हो तो मेरे से बिल्कुल भी खाना नहीं बनता है तो मैंने कहा पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं फिर खाना बनाऊँगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर गैस को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है पूरा स्लिप वगैरह क्योंकि हो ही जाता है अगर आप आ, सुबह से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कुछ बन ही रहा है तो फिर आ, ते, पूरा तेल तेल हो ही जाता है फिर चीटियाँ आने लगती हैं चीटियों से तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ एक चौक आता है उसको घुमा देती हूँ तो नहीं आता है और जिस टाइम मैंने अगर वो चौक आ, नहीं लगाऊँ ना तो तुरंत ही चीटियाँ रेड रेड आ जाती हैं और यहाँ पर साबुन लगा रही थी ना तो तुरंत मेरी आँखों में साबुन चला गया था एकदम से स्लिप हो रही थी तो फिर मैंने कहा पहले आँखें वॉश कौ कर, कर लेती हूँ और अभी आ, पापा जी से पूछा मैंने क्या बनाया क्योंकि मम्मी जी जो हैं हमारी सासू माँ वो गई हैं बुआ जी के घर बुआ जी को देखने के लिए तो खाना उन्होंने कहा कि कुछ भी सब्जी रोटी बना लेते हैं हस्बैंड भी चार पाँच बजे तक आएँगे तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज आलू टमाटर टमाटर की सब्जी और रोटी बना लूँगी और बच्चे तो स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं पूरी गैस क्लीन कर दी मैंने और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी आलू टमाटर की देख सकते हैं अब मुझे किचन में काम करने में अच्छा लगता है किचन अगर मैसी हो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता तो इसको कट कर लेते हैं पहले यहाँ से ले लेते हैं आलू मम्मी जी हैं नहीं चार ले लेती हूँ बच्चे भी आएंगे तो कभी वैसे खाते तो हैं नहीं वो आलू तो धुल चुके हैं इनको अलग कट कर लेती हूँ यहाँ पर आलू टमाटर प्याज हरी मिर्च सारी चीजें मैंने यहाँ पर कट कर ली और आप लोगों को मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं कि दीदी इतना बड़ा कुकर क्यों चढ़ाती हूँ इतनी सी सब्जी बनाती हूँ तो मैंने ऑर्डर कर दिया है दो तीन दिन में या तीन चार दिन में आ जाएगा छोटा कुकर मैंने ऑर्डर किया है तीन लीटर का तो बस उसमें है और जो हमारा पुराना वाला था ना वो एक बार ठीक कराया फिर वापस से वो खराब हो गया तो फिर हमने कहा उसको तो ठीक कराना ही नहीं है उसको हम हटा देंगे और नया मैंने ऑर्डर करा है जब आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो यहाँ पर एक तरफ मैंने आटा भी निकाल लिया है और उसमें कुकर में डाल दिया है तेल जब तक वो तेल गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ जो कि मैंने थोड़ा सा ही लिया है बस हम पापा जी अगर बच्चे आएंगे तो एक्स्ट्रा सेक के दो एक रख दूँगी मैं तो बस यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ और जो आलू टमाटर की सब्जी है ना बहुत जल्दी बन जाती है और चाहे तो हम इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं पर कढ़ाई में क्या थोड़ा टाइम लगता है और मुझे मेरा थोड़ा सा यूट्यूब का ही काम है तो इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ जल्दी बन जाएगी और यहाँ पर फटाफट से मैं चपाती भी बना के फ्री हो जाऊँगी तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर सब्जी अभी बन रही है अभी बनी नहीं है तो मैंने कहा एक तरफ फटाफट से मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना लेती हूँ आ जाइए आप लोग ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें